हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल दिस चैनल हैज़ एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन एजुकेशन एंड गाइडेंस टू द एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सो गाइस आई होप यू आल आर डूइंग वेरी वेल विदाउट वेस्टिंग योर प्रोसेस टाइम लेट अस स्टार्ट द टोडेज टॉपिक दैट इज़ द फेलियर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ एटीन हम देख लेंगे आज इस वीडियो में कि आखिर क्या वजह बने आखिर क्या कारण बने कि ये जो रिवोल्ट था 1857 का ये फेल हो गया ठीक है तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे स्टॉर्म सेंटर्स इंपॉर्टेंट स्टॉर्म सेंटर्स एंड द लीडर्स हु वायर लीडिंग दोज स्टॉर्म सेंटर्स वो हमने सब कुछ डिस्कस करके रखा है अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप एक काम कीजिए आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए फिर आप इससे कंटिन्यू कीजिए इससे क्या बनेगा इससे एक रिदिंग भी बन जाएगी और आपको एक आसानी भी हो जाएगी ठीक है समझने में पूरी और पूरी आसानी हो जाएगी तो फिर क्या पढ़ा था हमने फिर पढ़ा था हमने रिकप्चरिंग फेज रिकैप्चरिंग फेज जब ब्रिटिश ऑफिसर्स ने रिकप्च्चरिंग स्टार्ट की थी ठीक है तो ये था कुछ ट्रेट्स जो हमने पढ़े थे आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा हटके हैं ठीक है पिछले टॉपिक से थोड़ा हटके हैं क्योंकि अब हमें देखना है कि ये रिवोल्ट जो हुआ था आकर ये फेल क्यों हो गया आकर क्या वजह बन गई ये फेल हो गया ठीक है तो फर्स्ट काज जो था फेलियर का वो था लिमिटेड अपराइजिंग लिमिटेड अपराइजिंग याद रखना सिंपल मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा कि लिमिटेड अपराइजिंग क्या होती है लिमिटेड अपराइजिंग मतलब कि इस जो ये जो ये जो रिवोल्ट हुआ था इसने पूरी कंट्री को अफ़ेक्ट नहीं किया था पूरी कंट्री में अपनी शिदत बरपा नहीं कर पाया था कौन ये रिवोल्ट इस रिवोल्ट ने पूरी कंट्री में अपनी शिद्दत बरपा नहीं रखी थी दैट मीन्स इट डिड नॉट एम्बरेज द होल कंट्री दैट मीन्स द रिवोल्ट डिड नॉट एम्बरेज द होल कंट्री पूरी कंट्री को अफेक्ट नहीं कर पाया ये रिवोल्ट तो इसके ये एक वजह बन गया रिवोल्ट का फेल होने में ठीक है तो दूसरा क्या बना दूसरा बना था कि उस टाइम जो लार्जली प्रिंसली स्टेट्स थी जस्ट लाइक इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ हैदराबाद हैदराबाद वाज रूल्ड बाय तो निज़ामज ठीक है तो सिमिलरली इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ़ भोपाल भोपाल वाज रूल्ड बाय नव ठीक है नवज एंड इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ कश्मीर इट वाज रूल्ड बाय महाराजास ठीक तो हु वाज रूलिंग कश्मीर एट दैट टाइम महाराजास ठीक है सिमिलरली इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ नेपाल नेपाल वाज रूल्ड बाई रहनाज दीज आर समी स्टेट्स तो ये जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया दपोर्टेड इन ऑर्डर टू सप्रेस द रिवोल्ट ठीक है तो उन्होंने ब्रिटर्स को सपोर्ट किया ताकि वो रिवोल्ट को सप्रेस कर सके तो अब हमें देखना है कि चलो मान लेते हैं इन्होंने ब्रिटर्स को सपोर्ट किया तो अब हमें देखना है कि हाउ इट अफेक्ट अब इसने रिवोल्ट पे कैसे असर डाला कैसे इसने रिवोल्ट को फेल किया कैसे ये भी काज बन गया फेलियर ऑफ रिवोल्ट तो मैं आपको सिंपली और सिंपली भाषा में बताऊंगा कि अगर कोई रूलर हैं तो उसके अंडर लोग हैं जहाँ रूलर वहाँ लोग रूलर जो थे वो कहाँ गए दे सपोर्ट द ब्रिटेशर्स तो लोग का भी फर्ज बनता था कि वो भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करे तो दीज प्रिंसली स्टेट द पीपल ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट दे सपोर्टेड द ब्रिकर्स इन ऑर्डर टू सप्रेस द रिवोल्ट ठीक तो ये भी एक कारण बना फेलियर का तीसरा कारण क्या था इसी में से इसी में द साउदर्म प्रोविंस जो थी उसने डिड नॉट टेक पार्ट इन इट द साउदर्म प्रोविंस जो थी इंडिया की उन्होंने भी टोटली और टोटली सपोर्ट नहीं किया था फ्रीडम स्ट्रगल को दैट मीन्स द रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन को तो ये एक काज बना ठीक है ये एक काज बना फेलियर का तो दूसरा क्या काज बना दूसरा बना नो इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज़ नो इफेक्टिव लीडरशिप क्योंकि अगर बात की जाए किसी भी स्ट्रगल की तो किसी भी स्ट्रगल की बात की जाए तो उसमें एक लीडर का होना ज़रूरी है अदरवाइज द स्ट्रगल इज टोटली एंड टोटली फेल ठीक तो उस टाइम क्या हुआ था उस टाइम हमारे पास लीडर्स थे दे वेर ब्रेव बहुत बहादुर थे लोग उस टाइम जो लीडर्स थे बहुत बहादुर थे जैसा लाइक like नाना साहेब थे तांत या तो थी रानी लक्ष्मी बाई मैंने आपको बोला कि जॉर्ज हज हगरूस ने क्या बोला था इसके बारे में वो हमने बोला था तो हमारे पास उस टाइम क्या थे लीडर्स थे ब्रेव थे बहादुर थे लेकिन लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी उनमें वो क्वालिटी ही नहीं थी कि वो लोगों को एक रास्ता दिखाए कि हाउ वी विल लीड दिस रिवोल्ट ठीक है जब उनके पास वो क्वालिटी ही नहीं थी तो लोगों ने क्या किया उन्होंने दंगे फसाद स्टार्ट किए ठीक है तो ये भी एक कारण बना फेलियर का सिंपली एंड सिंपली याद रखना नो लो नो इफेक्टिव लीडरशिप तो तीसरा काज क्या था तीसरा काज क्या था, था? लिमिटेड रिसोर्सेज का लिमिटेड रिसोर्स अगर मैं सिंपल आपको बताऊंगा आज की एग्जांपल प्रेजेंटली एग्जांपल इसलिए ये प्रेजेंटली एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि आपको समझ आ जाए अगर बात की जाए फलस्टाइन की एंड इसराइल की तो आपस में क्या है इसराइल ने क्या किया दे कैप्चर्ड द लैंड ऑफ द फलस्तीन इलीगली तो इन रेस्पॉस टू दिस फलस्तीन आर सेंडिंग रॉकेट टू इसराइल ठीक है फॉर देयर सेल्फ डिफेंस दे हैव राइट दे हैव देयर राइट तो हमें उससे कुछ नहीं है मैं आपको ये बताऊंगा कि इसराइल जो है उनके पास रिसोर्स हैं रिसोर्स यू हैव टू एडमिट दिस इफ यू आर सपोर्टिंग फलस्तीन बट यू हैव टू एडमिट दिस कि इसराइल के पास क्या है रिसोर्स है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनके पास एक आयरन डोम है ठीक है मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जो फलस्तन है ये रॉकेट्स फेंकता है इसराइल को लेकिन ये जो इनके पास आयरन डोम है रिसोर्स हैं ये इनको पहले ही पकड़ लेता है और डिस्ट्रॉय करता है हवा में ही ताकि उसके लोग और प्रॉपर्टी सेफ रहे ठीक है सिमिलर कंडीशन थी इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स की इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स की तो ब्रिटिशर्स के पास क्या था इनके पास आर्म्स एंड एम्यूनेशन थे ठीक है आर्म्स लोग थे मतलब आर्मी थी इनके पास बहुत पैसे थे ठीक है तो लेकिन अगर बात की जाए इंडियंस की इनके पास लिमिटेड रिसोर्स थे लिमिटेड रिसोर्स थे लिमिटेड रिसोर्स थे उनके पास पैसा ही नहीं था ना ही कोई ना ही आर्मी थी उनके पास ना ही बंदूकें थी उनके पास थी सवाडस एंड स्टिचेस दे फॉट द वॉर विद सोड्स एंड स्टिचेस तो आखिर यार दे तो देख लो आप समझो खुद ही समझो अगर बंदा कोई यहाँ से तलवार लेके लड़ रहा है और वहां से बंदूक है ठीक है तो ऑब्वियसली जब तक ये तलवार चलाएगा तो वहां से बूछाड़ आएगी क्या गोलियों की बूछाड़ चलेगी तो दैट मीन्स सिंपली एंड सिंपली जिसके पास बंदूकें होंगे वही जीतेगा ठीक है तो ये था लिमिटेड रिसोर्स का मसला तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा मैंने पूरी कोशिश की समझाने की तो लिमिटेड रिसोर्स का कारण भी ए, ये भी एक कारण बना फेलियर का ठीक है तो चौथा क्या था चौथा था नो पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास तो बात अगर की जाए एजुकेटेड मिडिल क्लास की या मर्चेंट्स की ट्रेडर्स की ज़मींदार जो थे उस टाइम के उन्होंने क्या किया दे सपोर्टेड द दे ब्रिटिशर्स दे सपोट द ब्रिटेशर्स दे रिमैनड लॉयल जस्ट लाइक द हमने बात की थी नवाब निज़ामज ठीक है महाराजाज जस्ट लाइक दैम रिमैन लॉयल टू द ब्रटचर्स उन्होंने भी क्या किया उन्होंने भी सपोर्ट किया ब्रिटशर्स कोस द रिवोल्ट तो यही जा के यही वजह जाके लॉर्ड कैनिंग ने क्या बोला था दे एक्ट एज ब्रेक वाटर्स दे एक्ट एज ब्रेक वाटर्स टू दम ब्रेक वाटर्स टू दम स्टॉर्म यही वजह जाके देख ली जब कैनिंग ने देख लिया यही वजह कि दे आर सपोर्टिंग दे आर लॉयल टू अस तो उसने बोला दे एक्टेड एज ब्रेक वाटर स्टॉर्म ये किसने बोला लॉर्ड कैनिंग ने पॉइंट याद रखना नोट करके रखना क्योंकि अगर एग्जामिनर ने ऐसा वैसा कुछ क्वेश्चन डाला तो ये भी ये डाल सकता है मतलब सेंटेंस वगैरह डाल सकते हैं क्योंकि ये पूछे गए हैं एग्जाम्स में ठीक है तो ये ऐसा क्वेश्चन वो डाल सकता है कि वो ऐसे डालेगा कि हु सेट दीज वर्ड during एटीन फिफ्टी सेवन दे एक्टेड एज ब्रेक वाटर्स टू द स्टॉर्म किसने बोला है ठीक है तो आंसर आना चाहिए लॉर्ड कैनिंग सिंपल तो जब लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया जब उसने जब उसको लगा कि ये जो मिडिल क्लास लोग थे मतलब अपर क्लास लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को तो एक तो उसने ये वाला वर्ड बोला था मतलब ये सेंटेंस बोला था एंड एंड ही एबॉलिश एंड ही एबॉलिश द एक्ट डॉक्टर ऑफ लैप्स डॉक्टर एन ऑफ लैप्स क्यों लाया गया था इन्हीं रूलर्स वगैरह के लिए लाया गया था लेकिन जब उसको लगा था कि ये हमारे लिए ही काम कर रहे हैं ये दे रिमेन लॉयल तो हम भी हमें भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ इनके लिए करें दे बिफ्रेंड देम इवन कि एबॉलिश द डॉक्टर ऑफ लैप्स डॉक्टर ऑफ लैप्स को भी एबॉलिश किया गया तो यही थी कहानी फेलियर की ठीक है तो अब आप, आपको समझ आया होगा कि ये रिवोल्ट फेल क्यों हो गया ठीक है अब जाके थोड़े बहुत अगर और भी आपके पास कोई बुक वुक है या सुपेक्ट्रम आई प्रेफर सुपेक्ट्रम यूज़ सुपेक्ट्रम बुक फॉर दिस पर्पज़ ठीक है तो वहाँ पे अगर आप देख लोगे कोई एक दो और व हैं तो आप वो भी पढ़ लीजिए ठीक है तो इसके बाद आता है रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट ये जो रिवोल्ट हुआ है ठीक ये जो रिवोल्ट हुआ है चलो मान लेते हैं ये फेल हो गया बट एट द सेम टाइम इसने एक आग बढ़ बढ़कई थी ख़तरनाक आग बढ़कई थी ठीक है तो ब्रिटिशर्स को ये बात ना अंदर से ही रह गई थी उनको लगा था कि क्या पता ये फिर से उबरे ये फिर से रिवोल्ट करने बैठे तो हम क्या करें तो उन्होंने क्या किया उन्होंने कुछ चेंजेस लाई हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी आर्मी में ठीक है अपनी गवर्नेंस में कुछ चेंजेस लाई हैं दैट हैपनड आफ्टर द रिवोर्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन तो पहला देख लेंगे फर्स्ट रिजल्ट क्या रहा दैट वाज द एंड ऑफ कंपनी रूल तो पहली जो थी मतलब बिफोर द एटीन फिफ्टी सेवन हु वाज रूलिंग द इंडिया अगर आपको ये बात कोई बोलेगा तो हु वाज रूलिंग द इंडिया दैट वाज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रूलिंग द इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि वो ट्रेड करने आए थे जब उनको लगा कि इंडियंस आर फिजिकली इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड तो इनका इनको रूल करना आसान है तो दे रूलड ठीक है अदरवाइज वो क्या करने आए थे ट्रेड करने आए थे ठीक तो रूल कौन कर रहा था बिफोर एटीन फिफ्टी सेवन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बट आफ्टर 1857 आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 कंपनीज़ रूल एंडेड कंपनी रूल एंडेड तो कंपनी का रूल एंड हो के किसको मिला ये रूल किसको गवर्नेंस मिली किसको गवर्नेंस मिली ठीक है ब्रिटिश क्राउन को रूल वाज शिफ्टेड टू ब्रिटिश क्राउन ये किसने बोला था अनाउंस किसने बोला था कि नाउ नाउ इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन ये किसने बोला है लॉर्ड कैनिंग ने एट दरबार इन अलाहाबाद इन अलाहाबाद इसने ये बोला कि अब जाके ये जो इंडिया हैं ये अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन आ रहा है ठीक है ब्रिटिश क्राउन आ रहा है तो ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थी ना उस टाइम क्वीन विक्टोरिया ने ले ली वज टेकन ओवर बाई क्वीन विक्टोरिया अगर आप जेके एस एस बी क्लास फोर्थ का एग्जाम देख लोगे उसका पेपर है एक आई थिंक सेकेंड फेज में लिया गया था क्वेश्चन वो पेपर उसमें एग्जामिनर ने ये वाला पूछा था कि आफ्टर 1857 फिफ्टी सेवन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज टेकन ओवर बाई ठीक आफ्टर एटीन फिफ्टी सेवन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज टेकन ओवर बाई क्वीन विक्टोरिया ठीक है तो ये क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो इसका ठीक तो इसके बाद क्या हुआ रिलीजियस टॉलरेंस हुई तो मैंने आपको पहले बोला था कि बिफोर द 1857 फिफ्टी तो सेवन ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंटरफेयर किया बोथ बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स रिलीजनज ऑफ बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स ठीक है द सती सिस्टम द कंट्रोवलशर एक्ट उस टाइम सती सिस्टम सती सिस्टम को एबॉलिश किया गया था सिमिलरली विडोरिया मेरे एक्ट लाया गया था सर्विस एनलिशमेंट एक्ट लाया गया था आई होप कि आपको ये सब कुछ पता होगा क्योंकि मैंने ये सब कुछ आपको बता के रखा है ठीक है तो ये कुछ लाज लाए थे दैट मीन्स हिंदूज़ को लगा था कि इट वॉज़ डायरेक्टली अटैक ऑन देयर रिलीजन अटैक ऑन देयर रिलीजन तो ये वजह बनी थी फॉर द मतलब ये वजह बनी थी काज की रिवोल्ट काज ऑफ द रिवोल्ट बट आफ्टर 1857 फिफ्टी सेवन ब्रिटिशर्स ने क्या किया दे टू पे डि अटेंशन टू द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया आफ्टर 1857 फिफ्टी सेवन दैट मीनज रिलिजस टॉलरेंस दिखाई गई ब्रिटिशर्स के ब्रिटिशर्स ने रिलिजस टॉलरेंस दिखाना शुरू की ठीक तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज में क्या हुआ तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज में एक और पॉइंट ऐड कीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आफ्टर 1857 फिफ्टी सेवन देयर वाज एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज वाज दिस लाइक दिस कि गवर्नर जनरल ऑफिस वाज रिप्लेसड बाई वाइस ये याद रखना ये पॉइंट और जो इंडियन रूल्स के जो रूल मतलब राइट्स थे दे रूलर्स आर रिकॉगनाइज रूल द इंडियन रूलर्स वे आर रिकॉगनाइज एंड डॉक्टर ऑफ लैप्स वाज एबॉलिश मैंने डिस्कस कर लिया है ये डॉक्टर ऑफ लैप्स क्यों एबॉलिश किया गया था ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज में ये लाया गया था द राइट टू एडाप्टन एज लीगल हियर्स एक्सेप्टेड तो ये क्या मसला है जब हमने बात की थी डॉक्टर ऑफ लैपस लाया गया था जो ये सन्स है वगैरह वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सके लेकिन जब 1857 का रिवोल्ट हो गया जब उनको लगा कि ये रूलर्स वगैरह थे दे रिमेन लॉयल तो उन्होंने क्या किया दे एबोल डॉक्टर ऑफ लैपस तो फिर जाके इन्होंने बोला कि दे हैव ना राइट टू तो हैव लीगल हेयर्स है। ठीक है तो एक और चेंज लाई गई थी दैट वॉज मिल्ट्री इट वॉज इंपॉर्टेंट चेंज इन दियर व्यू फ्राम देयर व्यू क्योंकि अगर बात की जाए मिलिट्री रिओर्गेनाइजेशन की तो पहले क्या होता था पहले अगर कहीं पे बटालियन है थाउजेंड थाउजेंड बंदे हैं उसमें उसमें ज़्यादातर क्या थे एटी परसेंट लोग जो थे वो इंडियंस थे ठीक है बट आफ्टर एटीन फिफ्टी सेवन दियर वॉज चेंज इन मिलट्री मिल्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मिलट्री ऑर्गनाइजेशन मिलट्री पॉलिसी में चेंज लाई गई थी जैस लाइक like अगर हम बात की जाए बंगाल की बंगाल को एक रेसो फिक्स किया गया था वन इज़ टू टू दैट मीन्स एक बंदा इंडिया का दो बंदे ब्रिटिश के ब्रिटिश के दो बंदे रहेंगे साथ ठीक है सिमिलरली बात की जाए मद्रास या बॉम्बे की तो उसमें क्या रेशो रखा था वन इज टू थ्री और टू इज टू फाइव एक बंदा इंडिया का तीन बंदे ब्रिटिशर्स के या दो बंदे इंडिया के पांच बंदे ब्रिटिशर्स के साथ साथ रहेंगे सिमिलरली सिमिलरली बंगाल को क्या बोला गया था बंगाल को दैट वाज नॉन मार्शलाइज नॉन मार्शलाइज उनको बोला गया था कि यू हैव नो राइट टू यू हैव नो राइट टू आपको अब यू हैव नो राइट टू सॉरी यू हैव नो राइट टू यूज द राइफल ये बंगाल आर्मी को बोला गया था क्यों बोला गया था बिकॉज दे रेबलड बिकॉज दे रिवोल्टेड ठीक है उन्होंने रिवोल्ट किया था लेकिन अगर बात की जाए पंजाब पंजाब आर्मी की पंजाब मतलब पंजाबीज़ की वर्किंग इन द ब्रिटिश आर्मी उस टाइम ठीक है पंजाब या गोरखाज वग़ैरह गोरखाज ठीक है गोरखाज या पठानस की बात की जाए तो उनको मार्शल किया गया था दैट मीन्स दे हैव राइट टू होल्ड द गन ठीक है उनको बंदूक रखने की इजाज़त दी गई थी पंजाब पंजाबीज़ गोरखाज पठानस ठीक है क्योंकि दे रिमेंड लॉयल टू द ब्रिटिशर्स तभी जाके उन्होंने उन्होंने क्या बोला था हैव राइट टू होल्ड द गन टू होल्ड द आर्म्स एंड एमुनेशन ये सिंपल था कुछ मतलब आफ्टर द चेंज मिलट्री चेंजस तो इसके बाद आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो क्योंकि ये कुछ बुक्स हैं रिटर्न ऑन द रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन क्या पता अगर एग्जामिनर ने थोड़ा बहुत पेपर को उधर उधर किया तो वो बुकस के बारे में भी पूछ सकता है तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो ठीक है तो इसके बाद क्या करें हम इसके बाद हम करेंगे थोड़ा बहुत एम लाए थे मैंने यू पी में आए हैं ये एम मैं क्यूज दिखाऊंगा आपको कि कैसे पेपर आता है ठीक है तो बात की जाए फर्स्ट क्वेश्चन की ये यू पी एस में आया है ठीक है तो हु वाज हु द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ लीडर ऑफ सम एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट इन सांबलपुर सांबलपुर में कौन सा इसमें लीडर था एंटी ब्रिटिश ब्रिटिश रिवोल्ट में ठीक है हु आर द लीडर रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन सांबलपुर सिंपल तो मैंने आपको ये बोल के रखा है अगर आपको शक है तो आप वीडियो देख सकते हो पिछला वीडियो देख सकते हो तो इसका आंसर आएगा सुरेंद्र साय ठीक है सुरेंद्र साय इसका आंसर आएगा वन मिनट सुरेंद्र साह इसका आंसर आता है ठीक तो दूसरा क्या है ये मैंने आपको बोला है जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको बोला है कि ये क्वेश्चन ऐसे आया है द एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थी एजुकेटेड मिडल क्लास उस टाइम की द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया अपोजेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ठीक है सपोर्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ठीक न्यूट्रल ट रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन फॉट अगेंस्ट नेटिव रूलर्स तो मैंने आपको क्या बोला था दे अपोजिट द रिवोल्ट दे अपोजिट द रिवोल्ट दे अपोजिट द रिवोल्ट ठीक है तो सिमिलरली हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन पे थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बोला था जब हमने ये पढ़ा था यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम ठीक है उसमें मैंने आपको बोला था कि ऑफिसर एक था ब्रिटिशर्स का ऑफिसर इसने ये बोला है इन दिस इंस्टेंस वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोहम्मद या मुस्लिम ठीक है अगेंस्ट द हिंदूज टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड दिस रिमार्क ऑफ एडिशन रिलेट ठीक तो इसका आंसर आएगा रिवोल्ट ऑफ 1857 ठीक है क्योंकि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ तब जाके वहाँ पे यूनिटी बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज हुई थी तो तभी जाके ब्रिटिश ऑफिसर एडसन चंद ने ऐसा कुछ बोला था ठीक है तो हमें क्या देखना था रिमार्क टू विच फॉलोइंग इवेंट देखना था तो इसका आंसर आएगा रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन तो ये बात है अब क्वेश्चन नंबर फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड कुंवर सिंह ए प्रोमिनंट लीडर ऑफ़ द रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन बिलोंग टू तो इसका आंसर आएगा बिहार ठीक है मैं, हमने बोला है ये इम्पॉर्टेंट स्टोर एंड द लीडर्स लीडिंग इसका आएगा बिहार या अर्रा ठीक है तो यह है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव पढ़ लेंगे विच आर द फॉलिंग टेरिटोरीज वाज नॉट एफेक्टेड वाज नॉट एफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857 तो इसमें क्या है झांसी भी इफेक्ट हुई थी जगदीशपुर लखनऊ चित्तौर क्या इफेक्ट नहीं हो पाया था इससे रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन क्योंकि मैंने बताया कि द रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन रिमाइनड कंफाइन टू सर्टन रीजन ऑनली तो ये भी एक काज बना था ना फेलियर का तो इसका आंसर आएगा चिटौर ठीक चिटौर तो बात है अब सिक्स क्वेश्चन की विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ ईयर एटीन फिफ्टी सेवन हु एवंग द फॉलोइंग वॉज बिट्रेड बाई अ फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाई द ब्रिटचर्स ठीक है तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो आंसर है वो है तातिया तोप तातिया तोप अगर हम बात करें रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन की तो इसमें हमें देखना है कि हु वाज द फॉलोइंग ब्रिट्रेड बाई फ्रेंड जिसको अपने दोस्त ने धोखा दिया था फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिशर्स तो फिर उसको क्या दिया गया था सज़ा दी गई थी डेथ सेंटेंस दी गई थी किसको दी गई थी तातिया तोप को तो मैंने आपको ये बताया नहीं था लेकिन आप अब याद रखिए वॉज तातिया तो तो यू पी एस सी टू थाउजेंड सिक्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन ठीक है हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया म्यूटिनी आ ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको भूल गया मैं भूल गया था ये क्वेश्चन बोलने में ठीक है लेकिन अब जाके यहाँ पे मिले मिलाएं ये क्वेश्चन तो इसका आंसर जो है दैट वॉज लॉर्ड कैनिंग मैंने लॉर्ड कैनिंग की बहुत सारी बातें आपको बोली बहुत सारे सेंटेंस बोले थे रिगार्डिंग 1857 लेकिन ये बोलना ये बोलना भूल गया था कि ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटनी ठीक है अब याद रखना कौन थे गवर्नर जनरल सिपाही म्यूटनी के दौरान लॉर्ड कैनिंग तो एट्थ क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन हु वाज वायर द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोकमेशन ये हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि ये थोड़ा बहुत लेवल हाई हैं तो जेके एस भी इस लेवल तक नहीं जाएगा तो हो सकता है अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने तो ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछ सकता है क्योंकि यूपीएससी में आया है क्या पता पूछ सकता है तो इसका आंसर है फर्स्ट वन एंड टू टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एक्स एनएक्स द इंडियन स्टेट्स टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन ठीक है तो आपको ये खुद भी समझ आना चाहिए कि ये जो थी टू रिगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया मतलब अब तो चेंज हुआ था आफ्टर एटीन जब क्वीन विक्टोरिया आई थी तो चेंज हुआ था पावर पावर किसको मिला था क्राउन दैट मीन्स टू प्लेस इंडियन अंडर ब्रिटिश क्राउन ये तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स द इंडियन स्टेट्स ये भी इसका आंसर है क्योंकि उसने बोला था क्वीन विक्टोरिया ने बोला था कि वी हैव नो इंटेंशन टू एनेक्स द इंडियन स्टेट्स क्यों उन्होंने क्या किया था उन्होंने एबॉलिश किया था डॉक्टर ऑफ को तो इसका आंसर क्या है वन एंड टू ऑनली तो ये थी कुछ क्वेश्चन लेकिन अब मैं आपको एक क्वेश्चन रखूँगा क्वेश्चन नहीं है आप डिस्कस कर लिए ना खुद जाके आंसर कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में ठीक है मैं आपको सिंपल और सिंपल बताऊँगा कि ये जो रिवोल्ट था जो हमने पूरा और पूरा पढ़ लिया वाज दिस रिवोल्ट दिपॉय म्यूटनी द सिपॉय म्यूटिनी ठीक है वाज दिस रिवोल्ट दिपॉय म्यूटनी और क्या था और नेशनल स्ट्रगल इसका आंसर हमें चाहिए कमेंट सेक्शन में ये डायरेक्टली एंड डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन है कि ये जो रिवोल्ट हुआ है एटीन फिफ्टी सेवन वाज दिस और नेशनल स्ट्रगल अपना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में डालना है ठीक है तो गाइज़ आज का सेशन हम यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं तो ये जो रिवोल्ट एटीन फिफ्टी सेवन एंड कॉजेज एंड इम्पैक्ट वगैरह रिजल्ट वो हमने सब कुछ इस तीन लेक्चर्स में कंप्लीट किया है तो अगला लेक्चर जो होगा वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का होगा ठीक है या हम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858 या कुछ वार्स वगैरह जो लड़े गए थे आफ्टर 1858 वो हम डिस्कस कर लेंगे लेकिन अभी हमारी जो है अर्जेंसी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस क्योंकि वो जे के एस एस बी के कुछ सिलेबसों में कुछ रिक्रूटिंग मतलब कुछ जॉब्स में रखे हैं उन्होंने वो सिलेबस आई एन सी का तो वहाँ हम वही पढ़ाएंगे इसके बाद तो सो गाइज अस एंड दिस सेशन हियर स्टे हैप्पी स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड टेक केयर